करके बड़े बड़े पैकेजी सैलरी का जॉब छोड़ करके आपके देखिए आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है आदरणीय मोदी साहब का, आज हिंदुस्तान का हर बाशिंदा हर नागरिक जो अपने देश से प्यार करता है वो जरूर ये कहेगा कि आत्मनिर्भरता जीवन का एक अंग बन चुका हुआ है। और आज इस अवार्ड आइकॉनिक आत्मनिर्भर भारत में आकर मुझे इस बात की खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पर आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो आइकॉनिक अवार्ड जो है विमेन पावर को दिया गया है, विमेन एम्पावरमेंट को दिया गया है, बेहद खुशी की बात होती है। तो नारी एक शक्ति है, नारी में शक्ति है, नारी में भक्ति है, नारी हमारी माँ है, नारी हमारी बहन है। तो आज के दिन हम अपनी नारियों को किसी भी पुरुषों से कमजोर नहीं समझते हैं, बिकॉज इन एवरी फील्ड इन एवरी एस्पेक्ट एक्चुअली एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर यू कैन से आई हैव द प्रिविलेज, मैंने आज बहुत नारियों को जो सम्मान किया तो मुझे इस बात का गर्व महसूस हो रहा है कि दे ट्रूली डिजर्व। एंड इस तरह के जो अवार्ड होते हैं वो एक प्रोत्साहित करते हैं उन लोगों को जिन्हें अवार्ड मिला है और नारियों को प्रोत्साहित करते हैं जो गृहिणी के साथ साथ अपनी वेरियस फील्ड्स के अंदर वेरियस प्रोफेशंस के अंदर अपने भारत का नाम ऊंचा कर रही हैं और अपनी आत्मनिर्भरता को परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म। आत्मनिर्भरता वही होती है जहां आप अपने घर को अपने सोसाइटी को समाज को और अपने देश को बहुत गौरव महसूस करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड आत्मनिर्भर। सो इट इज माय प्लेजर, मेरे लिए खुशी की बात है एंड आई रियली एंजॉय द अवार्ड फंक्शन एंड ऑल द बेस्ट टू दिस अवार्ड फंक्शन। देखिए जो नारी शक्ति होती है वो असली शक्ति होती है, जब हम अपने हमने अपना धार्मिक धारावाहिक ओम नमः शिवाय बनाया था तो हमने हमारे पहले ही सीन में बताया था कि आदि शक्ति यानी कि शिव में शक्ति समाई है और शक्ति में शिव समाए हैं, तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, दोनों एक दूसरे पूरक भी है। जब भगवान के शिव के हृदय से हमारी आदि शक्ति माँ आई तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा था कि मैं कौन, तो भगवान शिव ने उत्तर दिया था कि आप मुझ में समाई हुई थी, तो सर आप कौन, तो मैं आप में समाया हुआ था। तो जब आदि अनंत काल से आदि शक्ति नारी और पुरुष एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे में समाये हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिना नारी के पुरुष का उत्थान नहीं हो सकता है और पुरुष के सहयोग के साथ साथ नारी जो है वो और आगे बढ़ने का प्रयास करती है। सो हैट्स ऑफ टू बोथ हमारी नारियों को और हमारे आज के पुरुषों को, प्रेरणा लेनी चाहिए भारतीय संस्कृति से और मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा उन नारियों को जो इस तरह की प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ने का कार्य करती है।